एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए लेके एक अमेजिंग सी गुजराती थाली। हम लोग हैं आज आनंद में, गुजरात के आनंद में, और यहाँ पे मैं एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में आपको लेकर आई हूँ जहाँ पे सर्व किया जाता है गुजराती क्यूजीन। और यहाँ आके ना जो मुझे पॉजिटिविटी, पीस ऑफ माइंड मिला है, उसके साथ साथ खाना तो मिलने ही वाला है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। और सबसे पहले मीठा आगे, जिससे हमारे फेस पे आ गई है बड़ी सी स्माइल, और ये है फरसान। तो दो फरसान, दो मीठा मिल गया है। ये है शायद ढोकला एंड दिस इज समोसा, मिनी समोसा। लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। ये क्या क्या है? चना मसाला है। चना मसाला, आलू टमाटर रस वाला। क्या है क्या है? तुरिया बटाना। तुरी मतलब तोरी। रहने दो रहने दो, मैं बेइज्जती करना चाहती। ये क्या है? पनीर। दे तो जो नहीं खाना वो क्यों लेना है ना, वेस्ट नहीं करना है फूड में। आप लोगों को बहुत सारा अनलिमिटेड दिखाती हूँ, बट डू नॉट वेस्ट फूड। क्या? हाँ जी प्लीज़ डालिए ना, ये तो मेन है। और कड़ी, और ये भी तिखी दाल भी डाल दो, थोड़ा 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 थोड़ा। दैट्स इट, थैंक यू। कितनी शांति से, कितने प्यार से सर्व कर रहे हैं आप ना। आपको आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आप लोगों की आवाज़ आएगी। थैंक यू। बाय। What else? अब भी बहुत कुछ है। मैं तो अपनी छाछ का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि गुजरात आके ना जब मेरे को खाने के साथ छाछ मिलती है ना, उसका मज़ा अलग हो जाता है। ओए होए, थैंक यू। दिस इज समथिंग जो मैं दिल्ली में बहुत मिस करती हूँ। ये क्या है? क्या? खिचड़ी। अच्छा डालिए ना, थोड़ी सी डालिएगा प्लीज, थोड़ी सी। हाँ जी, थैंक यू। और राइस, क्या बात है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके यहाँ भी क्या इतने ही प्यार से खिलाते हैं, जल्दी से बता दो। खाना शुरू करने से पहले ना अपने यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पार्टी और गाने सुनते हुए खाना खाना पसंद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत शांति से, पीसफुल माइंड, सात्विक खाना खाना पसंद है। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे अनियन गार्लिक सर्व नहीं किया जाता। और बहुत सारे जैसे जैन पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। तो एक महाराज जी हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे उन्हें, प्रमुख स्वामी महाराज जी, जिनको डेडिकेट करके ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। हम लोग आज अक्षरधाम गुजराती थाली पे आनंद में हैं, और शाम को यहाँ पे आरती भी होती है। और ये जो आप म्यूज़िक सुन रहे हो ना पीछे, तो जब भोग लगाया जाता है ना, तो उस वक्त ये म्यूज़िक चलता है। और जब आप आओगे यहाँ पे खाना खाओगे, ये गुजराती थाली इन्जॉय करोगे, तो आपको ऑल द टाइम ये म्यूज़िक सुनने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही डिवाइन फीलिंग है, बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग है। सो सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारे सैलेड से स्टार्ट। कुछ ये पपीते का सलाद है, इसके अलावा चटनी या अचार आपको यहाँ पे मिले हैं, एंड पूरा प्रॉपर गुजराती। यार मैं ना कड़ी से ट्राई करूँगी, मुझे गुजराती कड़ी बहुत पसंद आने लग गई है। मैंने बहुत सारे बफे करे हैं, लेकिन अभी जो मुझे ये फर्स्ट बाइट में जो मिला है ना, वो है गरम खाना। मतलब गरमा गरम कड़ी खाने का मज़ा ही अलग है। हमेशा हम लोग ठंडा ठंडा खाना खाते हैं, मज़ा नहीं आता। बहुत ही मस्त है, स्मूथ पनीर ट्राई करते हैं। बिना लहसुन और प्याज का भी इतना टेस्टी खाना हो सकता है क्या? ये खट्टी मीठी है, ये चटपटी है। Let's try chole. Good food, good mood. और प्राइसिंग की बात करूँ तो 350 रुपीस इस थाली का प्राइस है, जहाँ पे आके आपको बस बैठना है आराम से, अच्छे मूड के साथ, और खाना आपको सर्व होगा गर्मा गर्म। जल्दी से फरसान ट्राई करते हैं, देखिए समोसे के अंदर क्या है। आपको पता है आनंद को ना मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और यहाँ पे अमूल के फैक्ट्री भी है जो लोग दूर दूर से विजिट करने आते हैं। अगर गुजराती क्विजीन और गुजराती फ्लेवर्स को वो करना है ना, ट्राई करना, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू गाइस। जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी डियर डायरी में। टाइमिंग्स की बात करूँ तो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आपको लंच सर्व होगा, और शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक डिनर। तो किसका इंतज़ार है? मैं वीडियो एंड नहीं करूँगी अपने मीठे के बिना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब खाना तो होता ही यहाँ का स्वाद, लेकिन भाई मीठा, मुझे गुजरात का बासुंदी हो गई, श्रीखंड हो गया, अमेजिंग।
Oh my God, this is heaven. Her purity, top class. मज़ा आ गया. मैं करती हूँ ये खाना enjoy अपनी थाली शांति से. लोकेशन की बात करूँ तो हम लोग हैं आज आनंद के विद्यानगर रोड पे. अक्षरधाम गुजराती थाली डालोगे तो गूगल मैप्स आपको यहाँ पे पहुँचा ही देगा. और अब मैं आराम से इस खाने को enjoy करती हूँ. आप लोगों से मिलती हूँ किसी और वीडियो में. जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपके शहर में भी कोई ऐसी प्यारी सी शांति भरी जगह है जहाँ आप जाना पसंद करते हो अपनी फैमिली के साथ. लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.